देखो मीटिंग हुई आज भी तीन घंटे मीटिंग आज हुई और दो घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि तीन तीन घंटे में और कई कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं, तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे, यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीज पे और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा धरना असल यही हमारा है। देखिए देखिए एक हमारी हमारी तीन मांगों को लेकर हमारी तीन मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी के दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और दूसरी मांग थी हमारी के टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार एक परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे ही पेच फंस गया है, पहली बात पे ही जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरका। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे लेकिन उसके उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं और आखिरकार बातचीत टूट गई है और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हम हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा और उसके बाद जो सभी लोग हैं वो अगला जो निर्णय होगा वो सभी की पंचायत से सभी की शांतिपूर्ण वो तो ये बताएंगे नहीं चलेगा, वो तो आप अधिकारी बताएंगे। सरकार सहमत हुई क्या कोई भी किसी भी मांग पे? सरकार सहमत नहीं हुई कुछ उस पर होंगे, पहली फर्स्ट तो यही थी ना, उसके बाद तो सेकेंडली पे नौकरी तो भाई डीसी नौकरी तो किसी को भी मिल सकती है परमानेंट। यही रहेगा धरना स्थल, यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा, हम बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय काम चलता रहे ना, आम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करे। अरे क्या बता संख्या कितनी रहेगी भाई, मीटिंग के अगला समय भी दिया गया नहीं कोई सरकार ने बंद कर रखे, यहाँ तक पुलिस ने बंद कर रखे, अपना काम आए लोग आए उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, अपना काम करें। नहीं नहीं अभी अभी कोई देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।